सब्जी और वो भी आधी कच्ची रोटी। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वाह सुमन, तुमने तो कमाल कर दिया। तो आज की कंपटीशन के विजेता हैं सुमन और तन्मय। आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। मैं आपके लिए तोहफा लाया। चलो अब खाना खाएं। चलिए। अरे सुमन तन्मय, तुम दोनों एक दूसरे को खाना खिलाओ। तुम विनर टीम हो। हम सोच रहे थे क्यों ना कल शाम हम तन्मय और सुमन की सगाई की रस्म पूरी करते। वो दरअसल पंडित जी कह रहे थे कल का दिन बहुत ही शुभ है। ग्रह नक्षत्रों का इतना शुभ मेल मिलाप बहुत कम ही होता है। और वैसे भी तन्मय और सुमन की रोके की रस्म किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना सगाई कर दी जाए। अगर आपकी यही इच्छा है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। बस एक बार सुमन की मर्जी जान लेते। शर्मा आ गई हमारी बहू। तो फिर हम कल शाम यहीं आते हैं सगाई की रस्म के लिए। हम सुमन से मिलकर आते हैं। आप यहाँ? हम आपसे ये पूछने आए कि आप अचानक से वहां से चली क्यों आए। हम उम्मीद करते हैं सुमन कि आपने अपने अतीत को भुला दिया होगा और अपनी सगाई की खबर सुनकर आपको खुशी हुई होगी। आप जानती हैं ना सुमन, तन्मय आपको कितना चाहते हैं और आपकी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। याद रखिएगा सुमन, अगर इस बार आपकी वजह से तन्मय का दिल टूटा तो ये बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और फिर हमारे बीच जो सौदा, मेरा मतलब है समझौता हुआ है, उसे आप भूली नहीं होंगी। आनंदिनी बोलो। कार्तिक जी, आप बस ये बताइए कि आप घर कब आ रहे हैं। मुझे ऑफिस के जरूरी काम से बाहर जाना है तो मुझे देरी हो जाएगी। लेकिन हमें आपके काम से भी ज्यादा जरूरी काम है। क्या काम? सरप्राइज है। बस आप घर जल्दी आ जाइए, फिर ही हम आपको बताएंगे। कार्तिक जी, अगर आप नहीं आए ना तो बता रहे आपके ऑफिस पहुँच जाएंगे। नंदिनी क्या काम है, फोन पर ही बता दो ना।
जी नहीं, आप बस जल्दी आइए, हम आपको तभी बताएंगे। अच्छा ठीक है, हम रखते हैं, बाद में बात करेंगे। ओके बाय। हाँ कार्तिक जी, आज हम आपको ऐसा सरप्राइज देंगे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हेलो सगाई, बहुत बहुत मुबारक हो सुमन, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी सगाई हो रही है और मैं वान नहीं हूं। कार्तिक जी आप पैसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या आपने शराब? मैंने तुमको सिर्फ माफी मांगने के लिए फोन किया है। कार्तिक जी आप हमें बस ये बताइए कि इस वक्त आप कहाँ हैं? मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाऊंगा सुमन। मैं देखिए कार्तिक जी अब कहीं मत जाइए, अब वहीं रुके रहिए, हम अभी आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो सुमन, प्लीज कार्तिक जी रुक जाइए। कार्तिक जी प्लीज। कार्तिक जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो काफी देर हो गई है, सुमन अब तक नीचे क्यों नहीं आई? अरे बुलाइए उसे, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है।